अष्टावक्र गीता के चौथे प्रकरण में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। अभी तक हम लोग तीन प्रकरण अर्थात अष्टावक्र गीता में आत्मचिंतन, आत्मबोध, आत्मज्ञान और संसारिकता के ऊपर अनेकों प्रश्न और उत्तर पूछे जा चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए चौथे प्रकरण में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हन्तात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोग लीलया नहि संसार बाहि के मूढ़े सह समानतः। तृतीय प्रकरण में जो गुरु ने शिष्य की परीक्षा के लिए ज्ञानी के ऊपर आक्षेप किए हैं, अब उन आक्षेपों के उत्तरों को शिष्य कहता है। प्रारब्ध से और वादितानुवृत्ति करके संपूर्ण व्यवहारों को करता हुआ भी ज्ञानी दोष को प्राप्त नहीं होता है। जनक जी कहते हैं, हे भगवान, जिस आत्मज्ञानी विद्वान ने सबका अधिष्ठान अपने आत्मा को जान लिया है, वह विषयों करके विक्षेप को नहीं प्राप्त होता है, अर्थात विषय प्राप्ति पर भी उसका मन उद्विग्न नहीं होता, न ही ललायित होता है, अर्थात उसका चित्त विषयों के संबंध से विक्षेप, अर्थात जिस तरह से कमल का पत्ता, कमल का फूल पानी से बिल्कुल अलग रहता है, ठीक उसी तरह से ज्ञानी का मन भी रहता है। यदि विद्वान प्रारब्ध कर्म के वश से स्त्री आदि भोगों में प्रवृत्त भी हो जावे, तब भी मूढ़ बुद्धि वाले अज्ञानियों के साथ उसकी तुल्यता किसी प्रकार नहीं हो सकती है, क्योंकि विद्वान विषयों को भोगता हुआ भी उनमें अनासक्त नहीं होता और मूर्ख कर्मों में आसक्त हो जाता है। इसी वार्ता को गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, तत्त्वितु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, तत्त्ववित जो ज्ञानी है सो इंद्रियों के विषयों के विभाग को जानता है और इंद्रिया अपने अपने विषयों में वर्तती है, मैं इनका भी साक्षी हूं, किंतु मेरा इनके साथ कोई संबंध नहीं है। एवं पंचदशिकार ने भी ज्ञानी और अज्ञानी का भेद दिखलाया है। प्रारब्ध कर्म के भोग में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों तुल्य ही हैं। कष्ट होने पर भी ज्ञानी धीरता से क्लेश को प्राप्त होता है और अज्ञानी मूर्ख अधीरता के कारण क्लेश को प्राप्त होता है। प्रश्न आता है, संसार विषय व्यवहार में स्थित हुआ भी ज्ञानी अज्ञानी के तुल्य क्यों नहीं हो सकता है? उत्तर, अज्ञानी को लाभ और अलाभ में सुख और दुख होते हैं, परंतु ज्ञानवान को नहीं होते, इसी से उनकी तुल्यता नहीं बन सकती है। जनक जी कहते हैं, हे गुरु, हे अष्टावक्र देव, इंद्र से आदि लेकर के सब देवता जिसे आत्मपद की प्राप्ति की इच्छा करते हुए बड़ी दीनता को प्राप्त होते हैं और जिस पद की अप्राप्ति होने में बड़े शोक को प्राप्त होते हैं, उस आत्मपद में स्थित हुआ भी योगी विषय भोग की प्राप्ति होने से न तो वह हर्ष को प्राप्त होता है और न विषयों के न प्राप्त होने से या नष्ट होने पर वह शोक को प्राप्त होता है, क्योंकि आत्म सुख से अधिक और सुख नहीं है, वह उसको नित्य प्राप्त होता है। ज्ञानवान विधि वाक्यों का किंकर नहीं होता, इसी वास्ते उसको पुण्य पाप भी स्पर्श नहीं करते। जिस विद्वान ने तत्पद और त्वम पद के अर्थ को महाकाव्यों द्वारा भोग त्याग लक्षण करके अभेद अर्थ को निश्चय कर लिया है, उसके अंतःकरण के धर्म जो पुण्य और पाप हैं, उनके साथ उसका संबंध किसी प्रकार नहीं होता है, क्योंकि वह पुण्य और पाप को अंतःकरण का धर्म मानता है, अपने आत्मा का नहीं। जो अपने में पुण्य और पाप मानता है उसी को पुण्य पाप भी लगते हैं। इसमें एक दृष्टांत कहते हैं, एक पंडित किसी ग्राम को जा रहे थे। रास्ते में खेत के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करने लगे। उस खेत में एक जाट हल जोत रहा था। जब उसके बैल हल के आगे चलते चलते खड़े हो जाते थे, तब वह जाट हलवाहा बैलों की गोलियां देता था। तेरे खसम की लड़की को ऐसा करूं, तेरे खसम के मुख में पेशाब करूंगा, इत्यादि ऐसी वह बकवास करता था। पंडित ने जब उसको बैलों के प्रति भी गालियां देते देखा, तब विचार करने लगे कि इन बैलों को खसम तो यह पुरुष आप ही है,
और यह अपने को ही गालियां दे रहा है, परंतु इस वार्ता को यह समझता नहीं है, अतः वह इसको समझा देना चाहिए। तब पंडित ने उस जाट से कहा कि तू जो बैलों को गालियां दे रहा है, ये गालियां किसको लगती है? तब जाट ने कहा कि जो साला गालियों को समझता है उसी को लगती है। यह सुनकर पंडित जी चुप होकर चले गए। जाट का तात्पर्य यह था कि मैं तो समझता नहीं हूं और तू समझता है, अतः ये गालियां तेरे को ही लगती है। दृष्टांत क्या हुआ? ज्ञानी पाप और पुण्य को अपने में मानता है, इस वास्ते अज्ञानी को ही पाप और पुण्य लगते हैं। ज्ञानी अपने में नहीं मानता, किंतु उनको अंतःकरण का धर्म मानता है, इस वास्ते उसको पाप पुण्य नहीं लगते हैं। अथवा जिसको पाप पुण्य का विषय ज्ञान होता है उसी को पाप पुण्य लगते हैं। बालक को या पागल को पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता, इस वास्ते उनको भी पाप पुण्य नहीं लगता है। ज्ञानवान को भी पाप पुण्य का ज्ञान नहीं लगता है, क्योंकि वह अपने आत्म आनंद में मग्न रहता है, अतएव उनको भी पाप पुण्य नहीं लगते। इसी पर और दृष्टांत कहते हैं, जैसे आकाश का धूम के साथ कोई संबंध नहीं है, वैसे आत्मवित्त का भी पुण्य और पाप के साथ कोई संबंध नहीं है। यदि ज्ञानी कर्मों को करेगा, प्रश्न आता है कि यदि ज्ञानी कर्म करेगा तो उसको पुण्य पाप का भी संबंध जरूर होगा, यह कैसे हो सकता है कि वह कर्म तो करे पर उसको पाप या पुण्य न लगे? उत्तर, जिस विद्वान ने दृश्यमान सारे जगत को अपना आत्मा जान लिया है, उसको प्रारब्ध बस से कर्मों में वर्तमान को कौन वाक्य प्रवृत्त करने में या निषेध करने में समर्थ है? किंतु कोई भी नहीं। शारीरिक भाष्य में कहा है, अविद्यावद्विषयो वेदः। जैसे बंदीगण अर्थात भाट लोग राजा के चरित्रों का वर्णन करते हैं, वैसे वेद भी ज्ञानवान के चरित्रों का वर्णन करते हैं। इसी कारण ज्ञानवान को पुण्य पाप भी स्पर्श नहीं कर सकता है। ज्ञानी की प्रवृत्ति यदृच्छा से अर्थात देव इच्छा से होती है या अपनी इच्छा से होती है, ऐसा प्रश्न आता है। उत्तर है, ज्ञानी की इच्छा से होती है, अपनी इच्छा से नहीं होती। यद्यपि ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत इच्छा और अनिच्छा हटाई नहीं जा सकती, तथापि ब्रह्म ज्ञानी में इच्छा और अनिच्छा के हटाने की सामर्थ्य है। इसी वास्ते यदृच्छा करके भोगों में प्रवृत्त होकर या कर्मों में प्रवृत्त होकर विधि निषेध का किंकर नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी ने भी कहा है, अर्थात जिस विद्वान के आत्मज्ञान के प्रभाव से भेद और अभेद ये दोनों वृत्ति ज्ञान शीघ्र ही नष्ट हो गए हैं, उसी के पुण्य और पाप भी नष्ट हो जाते हैं, और माया के कार्य मोह ये दोनों जिसके नष्ट हो गए हैं, और जो शब्द आदि विषयों से और तीनों गुणों से रहित है, और जो आत्म तत्व को प्राप्त हुआ है, और जो तीनों गुणों से रहित होकर निर्गुण ब्रह्म के मार्ग में विचरता रहता है, उसके लिए न कोई विधि है और न कोई निषेध है। प्रश्न, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात किए हुए जो शुभ अशुभ कर्म है वे सब अवश्य ही सब जीवों को भोगने पड़ते हैं, तो फिर इन वाक्यों से क्या प्रयोजन है? उत्तर आता है, ये सब वाक्य अज्ञानी के प्रति हैं, ज्ञानी के प्रति नहीं, ऐसा वेद में भी कहा गया है। तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृद साधु कृत्यम द्विसंतः पाप कृत्यम, अर्थात जो विद्वान शुभ अशुभ कर्मों को करते हैं उसके द्रव्य को उसके पुत्र लेते हैं, और उसके मित्र उसके पुण्य कर्मों को लेते हैं, और उसके द्वेषी पाप कर्मों को ले लेते हैं। वह आप पुण्य पाप से रहित होकर मुक्त हो जाता है। लस्य ताव देवची यावन विमोक्षये, अर्थात केवल उतना ही काल उस विद्वान के मोक्ष में विलंब है जितने काल तक वह प्रारब्ध कर्म के भोग से नहीं छूटता है। अत संपत्तस्य, जब वह प्रारब्ध कर्मों से छूट जाता है तब वह शरीर रूपी उपाधि से रहित होकर ब्रह्मा से अभेद को प्राप्त हो जाता है। तदा विद्वान पुण्य पापे विधुये निरंजन परम साम्य मुपैति, शरीर त्यागते ही विद्वान पुण्य पाप से रहित होकर और भावी जन्म कर्म से रहित होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। न तस्य प्राणः उत्क्रामन्ति, और उस विद्वान के प्राण लोकांतर में गमन नहीं करते हैं। अत्रैव संबलीयन्ते, इसी जगह अपने कारण में लय हो जाते हैं। इस तरह के अनेक श्रुति वाक्य हैं जो विद्वान के कर्मों के फल को
निषेध करते हैं। और गीता में भी भगवान ने कहा है कि ज्ञान रूपी अग्नि करके उसके सब कर्म दग्ध हो जाते हैं। प्रश्न आता है, कारण के नाश होने से कार्य का भी नाश हो जाता है, जैसे तंतुओं के नाश होने से पट का भी नाश हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान करके अज्ञान के नाश होने से अज्ञान का कार्य जो विद्वान का शरीर है उसका भी नाश हो जाना चाहिए। ऐसी शंका किसी नई आयिक की है, इसके समाधान को कहते हैं अष्टावक्र जी कहते हैं, कारण अज्ञान के नाश समकाल ही विद्वान के शरीर इंद्रिया आदि के भी नाश हो जाता है, अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि करके विद्वान के देहादिक सब भस्म हो जाते हैं, पर दग्ध हुए भी उसके काम को देते हैं। जैसे महाभारत में ब्रह्मास्त्र करके अर्जुन का रथ भस्म हो गया था, तथापि कृष्ण जी की शक्ति से वह भस्म हुआ भी रथ चलता फिरता था, वैसे आत्मज्ञान करके कारण के सहित देहादिक विद्वान के भस्म हुए भी प्रारब्ध रूपी शक्ति करके अपने अपने कार्य को करते हैं। अथवा न्यायिक के मत में कारण के नाश से एक क्षण पीछे कार्य का नाश होता है, जैसे तंतुओं के नाश से एक क्षण पीछे हटपट का नाश होता है, वैसे ही अज्ञान रूपी कारण के नाश के एक क्षण पीछे विद्वान के देहादिकों का भी नाश होता है। यदि कहो कि देहादिक तो ज्ञान की उत्पत्ति के पीछे अनेक वर्षों तक रहते हैं, सो नहीं। जैसे अल्प काल तक रहने वाले पट का नाश भी अल्प है, वैसे ही अनादि काल के अज्ञान के कार्य जो देहादिक है उनके नाश के लिए दीर्घ काल लगता है। पूर्वोक्त युक्ति और प्रमाणों से सिद्ध होता है कि ज्ञानी के ऊपर विधि निषेध वाक्यों की आज्ञा नहीं है, किंतु अज्ञानी के ऊपर ही है। अद्वैत ज्ञात करके द्वैत का बाद हो जाता है, और द्वैत के बाद होने से भय का कारण अज्ञान विद्वान को नहीं रहता। तत्पद और त्वपद के लक्षार्थ का भाग त्याग लक्षणा करके और महावाक्यों करके अभेदता से जो जानता है वही अद्वैत ज्ञान है। जिसको अद्वैत ज्ञान प्राप्त है वह विद्वान है, वही बाधिता अनुवृत्ति करके संपूर्ण व्यवहारों को करता भी है, पर उसको किसी का भय नहीं होता है, क्योंकि उसके भय का द्वैत ज्ञान का बाद हो गया है। इसी वार्ता को श्रुति भगवती भी कहती है, द्वितीयाद्य भयम् भवति, अर्थात द्वैत से ही निश्चय करके भय होता है। उतर मंतरम कुरुते अथ तस्यम् भयम् भवति, जो थोड़ा सा भी भेद करता है उसको भय होता है। जो अपने से ब्रह्म को भिन्न जानकर उपासना करता है वह पशु की तरह ब्रह्म को नहीं जानता है, ब्रह्मवित ब्रह्म रूप ही होता है, आत्मवित संसार रूपी शोक से तर जाता है। इन श्रुति वाक्य से भी सिद्ध होता है कि विद्वान को किसी दूसरे का भी भय नहीं होता, क्योंकि उसके दृष्टि में कोई भी दूसरा नहीं है। इति श्री अष्टावक्र गीतायाम चतुर्थम प्रकरणम समाप्तम, अर्थात अष्टावक्र गीता का यह चतुर्थ अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग पांचवा प्रकरण अष्टावक्र गीता की पढ़ेंगे। आज यहीं तक, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।